जियो एयरटेल सिम से 5G जितना स्पीड पाने के लिए एक APN सेटिंग आज मैं आपको दिखाऊंगा जो कि गेमिंग के लिए भी थोड़ा बहुत काम करके देता है। और ये वाला APN सेटिंग 100% वर्किंग होने के साथ साथ मैं आपको प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा, ये बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देता है आपके फ़ोन के इंटरनेट स्पीड को, जिससे आप हाई स्पीड इंटरनेट का मज़ा उठा पाएंगे एक 4G सिम से। तो भाई अभी से इस वीडियो पे एक लाइक करके टेक्नोमाइंड उज्जवल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम लोग डिफॉल्ट वाले APN को जो हमारे फ़ोन पर पहले से सेट किया हुआ है उसे टेस्ट करके देखते इससे कितना स्पीड आ रहा है। अब हम लोग न्यू APN को क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए सिंपली आप फ़ोन के सेटिंग ऑप्शन पर जाओ, उसके बाद सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, देन आपके पास जो भी सिम है जियो या फिर एयरटेल उस सिम को आप ओपन कीजिए। ओपन करते ही आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको जाना है। देन इस प्लस आइकॉन पर आप टैप कर देना तो भाई ये वाला फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ही आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डालना है, तभी आपके फ़ोन पर ये वाला न्यू APN क्रिएट हो पाएगा एंड उसके बाद आपको अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड इससे मिलेगा। फर्स्ट में आपको नेम ऐड करना है। आप नेम पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लिखना है जियो स्पेस नेक्सा 6 और यहाँ पे डेफिनेटली आपको जे और एन जो है कैपिटल लेटर में रखना है। और अगर आप एयरटेल सिम यूज़ करते हो तो भाई आप जियो के बदले में यहाँ पे एयरटेल लिख देना, ओके। उसके बाद आता है APN। APN पर आपको यहाँ पे jio.22/5G सब कुछ एक साथ और स्मॉल लेटर में लिख देना है। और यहाँ पे भी अगर आप एयरटेल यूज़ करते हो तो भाई आपको यहाँ पे जियो के बदले में एयरटेल लिख देना है, वो भी स्मॉल लेटर में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है प्रॉक्सी नॉट सेट पोर्ट नॉट सेट, देन मिलता है आपको यूज़र नेम। यूज़र नेम पर आपको नेक्सा बॉट सब कुछ एक साथ लिखना, वो भी विदाउट एनी स्पेस। देन आता है पासवर्ड नॉट सेट। उसके बाद आपको मिल जाता है सर्वर। सर्वर देखो अगर आप जियो सिम यूज़ करते हो भाई आपको यहाँ पे डालना होगा www.jio.com, और अगर आप एयरटेल यूज़र हो तो आपको यहाँ पे www.airtel.in ऐड कर देना है, ओके। इसके बाद आपका आ जाता है MMSC नॉट सेट, AMS प्रॉक्सी नॉट सेट, AMS पोर्ट नॉट सेट, देन MCC MNC आता है। इसे भी आपको रिप्लेस नहीं करना है क्योंकि आप जहां पर भी रहते हो ए उस जगह का एरिया कोड है, ओके। देन आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इस पे जाके आपको PAP और CHAP पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद APN टाइप मिलता है, इसे भी आप नॉट सेट ही रहने दो। देन APN प्रोटोकॉल पे जाके आपको IPv4/6 पे डाल देना है। बाय डिफॉल्ट भी यही सिलेक्ट रहता है एक्चुअली, और किसी किसी फ़ोन में IPv4 या फिर 6 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रह सकता है, ओके। उसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी आपको IPv4/6 डाल देना है। देन आपको मिल जाता है वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग BRR। BRR सबसे पहले आपको अनस्पेसिफाइड दिखेगा, ये आपको अनटिक करके इस वाले APN के साथ LTE, HSPAP, HSDPA, UMTS और लास्ट में GPRS को ऐड करके टिक करके बेसिकली ओके दबा देना है BRR को। बट अगर आपके फ़ोन पर एक से ज़्यादा BRR सपोर्टेड नहीं है, एक से ज़्यादा BRR सेलेक्ट करने पर जो स्काई कलर का ओके बटन आ रहा है वो डिसेबल हो जा रहा है, तो आपको सिर्फ एक ही BRR सेलेक्ट कर देना है जो कि है LTE वाला, ओके। इसके बाद आ जाता है आपका NVNO टाइप, इसे भी आप ना ही रहने दो। देन आपको मोर ऑप्शन पे जाकर इस वाले APN को सेव कर देना है, और सेव करने के बाद अपने फ़ोन को ना डेफिनेटली एक बार रिबूट कर लेना, रीसेट मार लेना अपने फ़ोन को एक बार जो पावर बटन वाला रहता है, इससे APN आपके फ़ोन के साथ अच्छे से अटैच हो जाएगा। एंड उसके बाद आप कुछ टाइम देकर देखना इस APN को, थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा वक्त देना, तभी ये आपके फ़ोन पर बहुत अच्छे से काम करके दिखाएगा। आपके फ़ोन पर जितना भी इंटरनेट स्पीड आपको पहले मिलता था उससे कई गुना ज़्यादा इंटरनेट स्पीड ये आपको प्रोवाइड कराएगा। और भाई बाई चांस अगर आपके फ़ोन पर ये वाला APN काम ना करे ना किसी भी कारण से, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, वहाँ पे आपको एक APN फिक्स वीडियो करके देखने को मिल जाएगा, फिक्स APN। वो वाला वीडियो देखकर आप किसी भी APN सेटिंग को फिक्स करके उससे अच्छा खासा इंटरनेट स्पीड आपके फ़ोन पर ले सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कराया तो भाई अभी जाकर शेयर कर दो, और टेक्नोमाइंड उज्जवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ऐसी वीडियो अपलोड होती आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।